अरे बहू बेटे क्या हुआ? अरे अरे उठिए टप्पू के पापा, ये बहू रो रही है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो बेटा? क्या किया तूने दया? अरे मैंने कुछ नहीं किया, बहुत डर गई लगता है। क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ बहू? क्यों रो रही हो? ये भाई ये जेठिया, क्या हुआ, छोटी बहू को डांटा क्या तूने? अरे बाबूजी मैं तो यहाँ चुपचाप सो रहा था, ये दया ने मुझे उठाया तब मैं उठाऊँ। बेटा शांत हो जाओ, बताओ तो सही क्या हुआ है? मुझे मुझे इनकी कराटों की आवाज से डर लगता है, कितने जोर से कराटा लेते हैं। क्या आप भी, आपके नाक की वजह से टप्पू के ससुराल में हमारी नाक कट जाएगी क्या? अरे लेकिन मुझे खर्राटा आता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नाक कटवा दे, ना रहेगी नाक और ना रहेंगे खर्राटे। शांत हो जाओ टीना। But Appu, he snores horribly. Even horror movies don't have such horrible sounds. I know, yaar. But really can't help it. Appu, his snoring really scares me off. But what do I do? Can't even ask him to get out. Please try to understand, yaar. No. No? क्या भाई तुम लोग कब से इंग्लिश में चटर पटर कर रहे हो? क्या उनको भी समझ में ऐसा कुछ बोलो? टप्पू कह रहा है कि आपको रूम से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? ए भाई ए जेठा चल उठ, चल चल चल, तेरी चद्दर तकिया सब लेकर चल बाहर निकल, चल बाहर के रूम में सो जा। बाबू जी मैं कहाँ सोऊं? सुनिए जय जिनेन्द्र, पप्पू जी बाहर एसी भी नहीं है, इधर नीचे सो जाऊंगा बस। चल चले रे, सो जा छोटी बहू, सो जा। ये भाई ये जामवन, खबरदार जो अभी तूने खर्राटे लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? चल टप्पू। बोलो, अपने ही घर में मैं चैन से खर्राटे भी नहीं ले सकता। एक दिन मुझे विधाता से मिलना है और पूछना है कौन सी वो शुभ घड़ी थी जिसमें आपने मेरी कुंडली लिखी। बोलो। सुबह सुबह बात करता हूँ। कौन है? तेरा बाप? अरे नहीं बेटे, नहीं, मत रो। पापा, पापा आप टीना को क्यों परेशान कर रहे हो? कौन किधर किसको क्या? अरे आप टीना बहू को रुलाना बंद कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। जेठिया अब तू सोएगा नहीं, अब तू यहीं पे बैठ के पूरी रात जागेगा, और अगर तू सोया तो तुम तीनों घर से बाहर जाओगे, समझे? तो फिर घर में कौन सोएगा? या भाई तुम तीन, मतलब ये चद्दर तकिया और तू। चल डब्बू छोटी बहू, जा सो जा, जा जा बेटा सो जा। चल डब्बू। सुनिए आप पूरी रात जागने वाले हैं, जागने वाले हैं, तो ऐसे ही बैठे बैठे आप तो बोर हो जाएंगे,
घर में 20 किलो गेहूं पड़े हैं, तो जरा साफ कर दीजिए ना। अड़ोस पड़ोस के भी किसी के गेहूं है, ले आओ, सब एक साथ में साफ कर देता हूँ। अभी तो सब लोग सो रहे होंगे, कल सुबह जाकर ले आऊंगी, फिर कल रात साफ कर लेना। ये पागल औरत, उठ उठ।